तो स्वागत है आपका पुनः एक नए वीडियो में। तो कल रात से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी और मुझे कुछ काम करना था गार्डन का, तो मैं सोच रही हूँ कर लेती हूँ। तो ये पपीता के पेड़ कुछ लगे हुए थे तो इसकी घास मैं निकाल दी हूँ। ये बालसम का के सीड रखे हुए थे, इसको भी मैं लगा दे रही हूँ। और चलिए आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन की हालत क्या हुई है। ये बरबटी और उसके सीड लगे हुए थे लौकी के, तो ये भी लग गए हैं। और यहाँ ये देखिए घास साफ हो गया है। और ये सब पूरी कटिंग की थी 15 दिन पहले, तो ये सब कटिंग से अब कुछ कुछ पौधे तैयार हो गए हैं और कुछ तो बरसात से सूख भी गए हैं, गल गए हैं। जैसे हाइब्रिड बीन का मेरा ये गलने लगा है और देसी बीन का जो है वो नहीं गल रहा। ये देखिए यहाँ पर कटिंग लगी हुई है पूरी मास रोज की और सब तैयार हो गई है कटिंग। ये फूल भी इसमें आने लगे हैं, ये देखिए कई कलर के हैं, सब में फ्लावर आने लगे हैं। ये बोगेनविला और ये देसी बीन का ये ठीक से फूल रहा है। ज़्यादा बड़ा गार्डन तो नहीं है, छोटा सा है, तो उसी की देखभाल मैं करते रहती हूँ। ये टेरेस गार्डन में लगा हूँ। तो ये देखिए सबकी कटिंग लगी हुई थी, यहाँ पर कोलियश की कटिंग लगी है, सब तैयार हो गई। अरेलिया भी लगा हुआ है उसी में। और ये आलमंडा का प्लांट मेरा, इसमें भर भर के फूल आ रहे हैं और बहुत कलियाँ हैं। और ये देखिए डेविल्स बैकबोन। और यहाँ पर फिर मास रोज और ये नीचे बोगनविला वेरिकेटेड वैरायटी का है। और ये बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, तो एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये सब टूट गए हैं बारिश की वजह से, ग्लेटारिया टूट गया है। और ये देखिए येलो वाला जीनिया, लेकिन इसकी पत्तियाँ गल रही हैं बारिश की वजह से। और इधर फिर से देसी बीन का। और ये कॉसमॉस का प्लांट है, येलो वाला कॉसमॉस है। और ये देखिए रोज़ में बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन सब बारिश की वजह से गल रहे हैं। और जितने ही हिबिस्कस हैं सबकी कटिंग मैं कर दी हूँ, अभी तो फूल नहीं आ रहे हैं इसमें। आपको व्यू दिखाती हूँ घुमा के। ये देखिए कितना अच्छा मौसम किया है। बहुत अच्छी हवा चल रही ठंडी ठंडी। ये देखिए वाइट वाला हिबिस्कस और यहाँ एक और ये बोगेनविला वाइट वाला, इसकी प्रूनिंग की थी। और ये एक हिबिस्कस मेरा सूख गया है पता नहीं क्यों। और ये एक और हिबिस्कस की प्रूनिंग की थी, ये अभी तैयार।